आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ई रिक्शा यूनियन जम्मू की तरफ से जो आज रखी हुई है, मैं सबसे पहले आप सब मीडिया भाई भाई बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना समय निकाला और हमें कवर करने के लिए आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है ये ई रिक्शा को लेकर रखी है। आप सब जानते हैं कि पिछले कई समय से जो ई रिक्शा है वो जम्मू की सड़कों पर लोगों की सहूलियत के लिए चल रहा है और ई रिक्शा की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और गवर्नमेंट ने इसको हरी झंडी देकर साइकिल वाले रिक्शे को कन्वर्ट कर ई रिक्शा जो है उसको लॉन्च किया। पर अफसोस आज हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 6 महीने के बाद अचानक से प्रशासन ने उसके ऊपर यू टर्न लेकर उसके चलानिंग करनी शुरू कर दी है, उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करने शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात उसके लाइसेंस को लेकर चलान किया जा रहा है जो कि ये लाइट मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ई रिक्शा जो है नहीं आता है। हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से एक मांग है कि अगर पहले हमारा ई रिक्शा जो चल रहा था, जो गरीब जिसको बैंक ने स्पॉन्सर कर जिस गरीब बंदे ने अपना ऑटो जो पेट्रोल ऑटो था वो सेल आउट कर ये ई रिक्शा डाला, पहले गवर्नमेंट ने उनको इस चीज पे मजबूर किया और आज गवर्नमेंट ही उनको तंग करने पर आग उतरी है। कहीं भी जाओ देखिए उनका चालान कट जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये हमें गवर्नमेंट बताए। अगर होम मिनिस्टर के हिसाब से हम इसको देखें तो होम मिनिस्टर ने साफ अपने लेटर पे लिखा हुआ है कि ई रिक्शा का कोई भी लाइसेंस जो है वो नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कोई उनसे हटकर कोई ऐसा कोई रूल रेगुलेशन बनाया है जैसा उन्होंने बोला था कि ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, चाहे वो ई रिक्शा है चाहे वो स्कूटी है, उसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा जो एज ए लाइसेंस वो हम ड्राइवर वो यूज करेगा। पर अफसोस उसके बिना भी अचानक से इन्होंने ई रिक्शा सीज करना शुरू कर दिया और जो दिहाड़ीदार था, जो गरीब बंदा था, उसकी रोजी रोटी पर इन्होंने टांग मार दिया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि जो लाइसेंस का अगर आपने रखना है तो लाइट मोटर व्हीकल जो गवर्नमेंट की तहत जो है कि ये लाइट मोटर व्हीकल के अंदर नहीं आता, इसको कैंसिल करके आरटीओ साहब इस पे कोई और लाइसेंस दीजिए। लर्नर लाइसेंस को भी ये चलने नहीं देते हैं। लर्नर लाइसेंस की बात है तो वो कहते हैं ये वैलिड नहीं है। अरे भाई अगर लर्नर लाइसेंस वैलिड नहीं है तो फिर 6 महीने की डेट डाल के देते क्यों हो, फिर डो ही नहीं। जब अगर बंदा आपके पास लाइसेंस बनाने के लिए आता है आप उसको सीधा लाइसेंस पूरा बना के दे दीजिए, फिर लर्नर की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर, तो फिर लर्नर किस लिए दिया हुआ है। या तो हमें लर्नर लाइसेंस पे ई रिक्शा चलाने की इजाजत दी जाए, नहीं तो जल्द से जल्द ई रिक्शा ड्राइवरों के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज जो लाइसेंस या सर्टिफिकेट जैसा कि गवर्नमेंट ने ई रिक्शा चलाने से पहले हमें वादा किया था वो दिया जाए, ताकि जो ई रिक्शा चालक है वो इसको चला सके और जो गवर्नमेंट ने पिछले कई समय से, मैं ज्यादा दूर ना जाऊं, नानक नगर की बात करूं, सतवारी की बात करूं, कई ऐसे इलाके हैं जहां मेटाडोर के लिए नानक नगर, प्रीत नगर, त्रिकुटा नगर के लोगों ने हजारों बार गुहार लगाई कि उस रूट पे मेटाडोर चलाई जाए, पर मेटाडोर नहीं चलती। मेटाडोर गांधीनगर से ऊपर टर्न ले लेती है, उसने गुरुद्वारे के आगे नानक नगर के साइड जाना ही नहीं है। अब जब ई रिक्शा की सहूलियत इनको मिली है, अब गवर्नमेंट ने ई चलानी करनी शुरू कर दी है। इसी वजह से आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और यही मांग रखी है कि जल्द से जल्द ये जो चलानिंग है लाइसेंस को लेकर इसको खत्म किया जाए। जो लर्नर लाइसेंस है अगर वो वैलिड है तो उसका चलान ना काटा जाए। अगर गवर्नमेंट ने कोई और इसके लिए कोई चीज बनानी है या जैसे सर्टिफिकेट का एक वादा किया गया था वो सर्टिफिकेट इशू करना है, वो गवर्नमेंट करे। अगर हमारे किसी भी ई रिक्शा चालक के पास अगर उसके पास गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है या गाड़ी की आरसी नहीं है, आप उस पर चलान कीजिए, हमें कोई भी उस पर आपत्ति नहीं है। पर लाइसेंस को लेकर चलान करना ये गलत है। आप जम्मू से बाहर चले जाइए, जम्मू के बाहर पंजाब में चले जाइए, वहां देखिए कितना ई रिक्शा चल रहा है। दिल्ली में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, हर एक स्टेट में। एक तरफ गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी को लेकर वादा कर दिए कि प्रदूषण के बिना जो गाड़ियां हमने एड डाउन करनी है, वो दूसरी तरफ चलानिंग कर हमें तंग किया जा रहा है। यह मुझे समझ नहीं आ रही है कहां।